भिवंडी से HBT 24 न्यूज़ की रिपोर्ट। भिवंडी के गैबी नगर में स्कूल नंबर 62 में रविवार की शाम दावत इफ्तार का भव्य आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह दावत इफ्तार सम्मान फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया। इसके सभी सदस्यों ने कड़ी मेहनत से इस कार्यक्रम को सम्पन्न बनाया। सम्मान फाउंडेशन के अध्यक्ष जाफर शेख ने HBT न्यूज़ को बताया कि इस दावत इफ्तार रखने का मकसद देश में अमन व भाईचारा को मजबूत किया जा सके। इस दावत इफ्तार में हिंदू मुस्लिम सभी जाति व समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। इस दावत इफ्तार की शुरुआत कुरान की तिलावत से किया गया, जिसमें शहजादे मखदूम सिमना हजरत सैयद माज अशरफुल जिलानी कचौचे शरीफ से भिवंडी तशरीफ लाए, जिन्होंने दुआ मांगी। अनाज अफ्तारी दावत में आप आए हैं, तो आप देश को क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरीके से अफ्तारी दावत आपको लगा? नहीं, अफ्तारी दावत में हर साल जो तालुका है हमारे सबसे और हमारे जो अल्पसंख्यक अध्यक्ष थे BJP के जाफर भाई, उनकी पूरी टीम को हर साल इसी जगह पे लगाते और हर साल वो कुछ बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पर आने पर एक ऐसे भाईचारा और यूनिटी की बढ़ती है, तो मैं तो यही दुआ मांगूंगा। और पैगंबर का जो पैगंबर अपने जो हमारे भगवान आपका अल्लाह बोलते जो वो तो बोलते ही कि रमजान में इतना दुआ मांगोगे उतना दुआ तो ये सभी लोग यहाँ पे हमारे भिवंडी हम खास करके भिवंडी थे तो भिवंडी के हर समाज के लोग के लिए दुआ मांगेंगे, तो जिसमें पावर लूम का मसला हो, किसी फैमिली का कोई तबीयत से तालुका से हॉस्पिटल के तालुका से मसला हो, पढ़ाई का मसला हो, शादी ब्याह का मसला हो, वो हर एक इंसान में जो तकलीफ है उसके लिए हर एक आदमी दुआ मांगना चाहिए। तो ये मैं मेरे दिल से मेरी ख्वाहिश है जी। और मुझे पता है कि जो हिसाब से आप लोग रमज़ान के कड़क के बाद तो दूर दूर कड़क है और जिस श्रद्धा से आप लोग बैठ के एक खजूर खा के जो आप लोग रोजा शाम का ख़त्म करते हो खोलते हो और उसमें सही में दुआ भी इतनी अच्छे से लगते हो, तो मुझे जो दुआ है ये हमारे पूरे भिवंडी शहर, हमारे महाराष्ट्र स्टेट और भारत इस सबको लिए होना चाहिए सर। मैं जाफर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनकी पूरी टीम हर बार अच्छा काम करते उसके दिमाग लागे, ऐसी अल्लाह उनको बहुत ताकत दे, उनके साथ सबकी उनके जितने भी दोस्त थे क्या ऐसे अच्छा काम वो करते रहे और ये दुआ हमारे हर भिवंडी घर में लगे। देश को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जाफर भाई? आप ये जो अफ्तारी का प्रोग्राम आपने किया है, देश को क्या संदेश देंगे आप? देश को यही संदेश देना चाहते हैं हम। सबसे पहले तो इफ्तारी में हमारे जितने भी हमने बुलाया, संतोष एम शेट्टी साहब हैं मुंबई से, हाजी अब्दुल रशीद साहब आए और मारुति देशमुख साहब, संजय पाटिल साहब, विजय दुले साहब, ऐसे सभी लोगों ने हिंदू मुस्लिम सब मिलकर हमारी दावत को कबूल किया और हिंदू मुस्लिम बैठ के आज एक इफ्तार की दावत को हर साल रखते थे। इसी तरीके से इस साल भी बहुत अच्छे से सब मिलजुल के इफ्तार किया। ये एक एकता की मिसाल पूरे शहर में और पूरे देश में इसकी जानी चाहिए कि हम हिंदू मुस्लिम बैठ के ये हमारा पवित्र महीना, ये बहुत पाक महीना है हमारा, जो हिंदू मुस्लिम मिल के मनाते हैं।